सालों से हमारे डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेता है कि हमें पढ़ाई अच्छा मिलेगा। अगर हम पढ़ लिखा जाए तो दूसरे स्टेट कॉलेज एक ऐसा महाविद्यालय है कहीं ना कहीं माना जाए तो यहाँ पे पढ़ाई के सर्वोत्तम गुण मिलते हैं, लेकिन जब विद्यार्थी एडमिशन करा लेता है और एडमिशन कराने के बाद अपने डिग्री कॉलेज जाता है तो देख पाता है कि किस प्रकार से एक विद्यार्थी एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन एडमिशन लेने के जब बच्चा वो इतनी छुट्टियों का सामना करना पड़ता है। आज हम लोग को बताना चाहते हैं कि अपने महाविद्यालय में एलएलबी की परीक्षाएं होती है, अपने महाविद्यालय में बीए की परीक्षाएं होती है, लेकिन अपने महाविद्यालय में दोनों चीजें अपने महाविद्यालय में नहीं है। न एलएलबी की अपने महाविद्यालय में पढ़ाई होती है, न बीए की पढ़ाई होती है, लेकिन आए दिन अपने महाविद्यालय में ये सब परीक्षाएं हो जाने के कारण विद्यार्थी अगर 350 की पढ़ाई करने की सोचता है देख पाता दो महीना ऐसे ही व्यस्त चला जाता है। अगर देखा जाए हर विद्यार्थी ये सोचता है कि हमारे विशेष के पीजी कॉलेज में आपकी पढ़ाई कर पाए, लेकिन हमका देखता है कि हमारा विद्यार्थी आता तो है लेकिन हमारे महाविद्यालय में पैसा खर्च किया जाता है कि हमारे महाविद्यालय में छुट्टी कर दिया जाता है। साथियों छुट्टी तो कर दिया जाता है लेकिन ऐसे छुट्टी किया जाता है कि बिना बताए नोटिस दे देना, और अब नोटिस तो विद्यार्थियों तक पहुँचता ही नहीं है। अपने महाविद्यालय में हमेशा छुट्टी तो होती है लेकिन कभी नोटिस नहीं दिया जाता है। ये जानते हैं कि नोटिस नहीं दिया जाता है, अगर कोई भी विद्यार्थियों को अगर नोटिस नहीं दे रहा है तो इसका आप लोग कारण समझ पाइए कि अगर नोटिस ये लोग देंगे तो कहीं ना कहीं ये फंसने का काम करेंगे, क्योंकि कभी भी विश्वविद्यालय ये नहीं कहता है कि आपको लेबर और परीक्षा करवाने के लिए आप छुट्टी कर दीजिए। महाविद्यालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय से कहता है कि आप लेबर कराइए, लेकिन साथ ही साथ विद्यार्थियों का पढ़ाई भी करवाइए, लेकिन अपने महाविद्यालय में हो क्या रहा है कि नहीं थोड़ी सी भी परीक्षाएं हैं तो हम महाविद्यालय को बंद करेंगे और कभी भी किसी विद्यार्थियों को नोटिस नहीं देंगे। नोटिस वाले चाहिए नोटिस, और नोटिस न मिल जाने के कारण विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है। साथियों जो विद्यार्थी मरगा से आ रहा है, जो विद्यार्थी रतनपुरा से आ रहा है, और जो विद्यार्थी कहीं दूर दराज 10 रुपया 12 रुपया 15 रुपया 20 रुपया किराया लगा के आ रहा है, वो देख पाता है कि हमारे महाविद्यालय में 20 रुपया किराया लगाने के बाद आने के बाद वो देखता है कि छुट्टी है और बिना नोटिस मिल जाने के बाद। साथियों हम सभी विद्यार्थी आज ये प्रचार महोदय के सामने धरना तो कर देंगे और उनसे कारण पूछेंगे, सर अगर छुट्टी करना है तो आप बेझिझक करिए, आप नोटिस लगा के करिए कि हमारे महाविद्यालय में पढ़ाई करने के कारण कोई झिझक नहीं है। साथियों आप सभी से मेरा आग्रह ये है कि हम सभी विद्यार्थी यहाँ जितने भी लोग दिख रहे हैं, हम सभी विद्यार्थी कहीं ना कहीं विशेष के पीजी कॉलेज से संबंधित विद्यार्थी हैं, कोई बीए का है, कोई बीएससी का है, कोई बीकॉम का है, कोई एमबीए का है, एमकॉम का है। तो साथियों आप सभी से मेरा यही आग्रह है कि हम लोग जब तक ये यहाँ पे बैठे रहेंगे तब तक हम शुरू करेंगे कि जब तक प्रचार महोदय आके हम लोग सुखा न दे कि अगली बार कोई भी छुट्टी होगी तो आप जैसे विद्यार्थियों को हम लोग नोटिस दे के बकाया नोटिस प्रोवाइड करके ही छुट्टी करेंगे। आप सभी से बस मेरा यही आशा है कि आप सभी लोग मेरा साथ जरूर दीजिएगा। One day, Matram.
एकता जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी एकता जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 आवाज दो हमारे साथ है आवाज दो हम तुम्हारे साथ है भारत माता की जय भारत माता की जय जिंदाबाद जिंदाबाद छत्र एकता जिंदाबाद 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 छत्र एकता जिंदाबाद 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 तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मुर्दाबाद कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद सुन भाई सुन क्या भाई क्या कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद प्रबंधन समिति मुर्दाबाद कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद सुन भाई सुन क्या भाई क्या कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद प्रबंधन समिति मुर्दाबाद सुन भाई सुन क्या भाई क्या कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद प्रबंधन समिति मुर्दाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय ये आंदोलन सिर्फ हम ही लोग का है माता की जय भारत माता की जय छठ एकता जिंदाबाद 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 छठ एकता जिंदाबाद 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 साथियों आप सभी को स्वागत करें आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि आज हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं और साथियों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे महाविद्यालय में विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए आता है वो महाविद्यालय में विद्यार्थी इस क्लास में आता है कि हमें पढ़ाई के नाम पे अच्छा शिक्षक मिले हमारे शिक्षकों के द्वारा हमें अच्छी पढ़ाई मिले लेकिन आज हम लोग बताने के लिए मजबूर पड़ जा रहे हैं कि अपने महाविद्यालय में ऐसा कोई कार्य नहीं होता है जब हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो लोग देख पाते हैं कि बिना पढ़ाए बिना किस प्रकार से छुट्टियाँ कर दी जाती है प्रशासन मुर्दाबाद विद्यालय प्रशासन हाय हाय आराज माता की महाविद्यालय में छुट्टी कर दी गई है लेकिन अभी बिना कोई नोटिस के विद्यार्थी लगभग 200 परीक्षा दे रहे हैं नहीं परीक्षा इससे पहले चली कल ही परीक्षा में यहाँ ड्यूटी दे रहा था परीक्षा ओ लेवल की 2 बजे चल रही है और हमारे महाविद्यालय का जो सत्र रहता है 1 बजे खत्म हो जाता है महाविद्यालय 2 बजे महाविद्यालय जो करा एकदम सुन रहा लेकिन जब महाविद्यालय में विद्यार्थी रहेंगे इन्हें कैसे जान पाएंगे ये विद्यार्थी तुम्हारे स्कूल नहीं है विद्यार्थी ये नहीं परीक्षा जो 2 बजे वाली है ये अभी जो आ रहा है पहले का नाम ये है जब भी महाविद्यालय में ऐसी कोई व्यवस्था लगती थी कभी भी कोई छुट्टी होती थी बकायदे नोटिस लगाई जाती थी लेकिन अपने महाविद्यालय में ऐसा नहीं हो पा रहा है आज ही का नहीं मकर संक्रांति की छुट्टी हुई है नोटिस की ऐसी बहुत छुट्टियाँ हैं जो आप लाई भारत माता की विद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद विद्यालय प्रशासन हाय हाय भारत माता की जय भारत माता की जय महाविद्यालय में ओ लेवल की परीक्षा कराने के लिए महाविद्यालय बंद की गई थी आज कहीं ना कहीं इससे पहले भी अपने महाविद्यालय में बिना नोटिस किए हमारे महाविद्यालय बंद था और बंद किया गया था आज सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को बात उन्होंने सुना है और अगली बार से उन्होंने ये कह दिया है कि अगली बार ऐसी कोई भी ट्रिप करने से पहले सभी विद्यार्थियों को एक नोटिस दी जाएगी और वो नोटिस से ही जाएंगे
नोटिस को देख कर ही विद्यार्थी अपने महाविद्यालय में आएंगे। और साथियों आप सभी लोगों से आज आप लोगों के मदद से ही आप लोगों के सहयोग से ही आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा हम अपनी मांगों को पूरा कर पाए हैं कि अगली बार से कभी भी किसी भी प्रकार की हमारे महाविद्यालय में छुट्टी रहेगी तो एक नोटिस दी जाएगी। और साथियों आप सभी के सहयोग से हुआ इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।